अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू वेबटेक एकेडमी। वेबटेक एकेडमी की एक नई वीडियो के साथ मैं हूं अशफाक अशरफ। आज हम बात करेंगे यूट्यूब चैनल मोनेटाइजेशन पे। यूट्यूब चैनल मोनेटाइजेशन एक ऐसा सवाल है या एक ऐसा अलमिया है, हर बंदा इसके बारे में जानना चाहता है कि यूट्यूब का चैनल मोनेटाइज कैसे होता है, कौन सी चीज़ें हैं जिनकी वजह जिनको अपनाने से हम यूट्यूब चैनल मोनेटाइज करवा सकते हैं, कितने व्यूज़ दरकार हैं, कितना वॉच टाइम चाहिए, कितने सब्सक्राइबर चाहिए, और ये वॉच टाइम और ये सब्सक्राइबर किस तरह हासिल किए जाएं, और एक अहम चीज़, क्या यूट्यूब के वॉच टाइम और सब्सक्राइबर ख़रीदे जा सकते हैं, और ये यूट्यूब के वॉच टाइम और सब्सक्राइबर ख़रीदना कितना दुरुस्त अमल है, और इसके क्या नुकसान हो सकते हैं, क्या YouTube चैनल मोनेटाइजेशन पे ख़रीदे हुए YouTube वॉच टाइम और सब्सक्राइबर का फ़र्क पड़ता है, इन सारी चीज़ों के बारे में आज की वीडियो में हम बात करेंगे। सबसे पहले जो भी यूट्यूबर है और वो YouTube पे अपना चैनल बनाना चाहता है, उसकी कोशिश ये होती है कि हम जल्दी से जल्दी अपने चैनल को मोनेटाइज करवाएं। तो YouTube चैनल मोनेटाइजेशन कि जो लिमिट है 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम आपका 12 महीने के अंदर अंदर होना चाहिए। अगर आप ये दोनों कंडीशंस को फुलफ़िल करते हैं तो आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है, और अगर आप 12 महीने के अंदर 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा नहीं कर सकते तो आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होता। चैनल मोनेटाइज का मकसद या मतलब क्या है और इसके फ़ायदे क्या हैं और किस तरह हम इससे अर्न कर सकते हैं। बेसिकली चैनल मोनेटाइज होने का अहम और असल जो फ़ायदा और मकसद है कि YouTube का जो पार्टनर प्रोग्राम है आप उसमें शामिल हो जाते हैं। पार्टनर प्रोग्राम में होता ये है कि जितनी भी एडवर्टाइजमेंट कंपनियाँ YouTube को एड्स देती हैं वो आपके चैनल पर एड्स लगते हैं और उनकी एक रेशो आपको पे की जाती है। बेसिकली होता ये है कि YouTube एक प्लेटफॉर्म है जिस पे आपका एक चैनल है, आपके चैनल पे वीडियोस पे आने वाले एड्स की जो कमाई होती है YouTube उस कमाई का कुछ हिस्सा आपको देता है। तो अगर आप YouTube की लिमिट को एक्सेप्ट करते हैं, 4000 घंटे अपने 12 महीने के अंदर पूरे कर लेते हैं तो आपके चैनल पे YouTube के ऐड आएंगे, उन ऐड से आप पैसे कमा सकते हैं। अब दूसरी बात जिसका हमने शुरू में जिक्र किया कि क्या YouTube सब्सक्राइबर और YouTube वॉच टाइम ख़रीदना बेहतर है, तो YouTube के जो सब्सक्राइबर और वॉच टाइम हैं बेसिकली ये बहुत सारे फेक चीज़ें हैं जिनसे दूर रहना बेहतर है। अगर आप YouTube के वॉच आर्स ख़रीदते हैं तो वो वॉच आर्स आपके दिन ब दिन कम होते जाएंगे। सब्सक्राइबर भी इसी तरह है जो कि आपके परमानेंट वॉच टाइम और सब्सक्राइबर नहीं होंगे, और उनसे होगा क्या, एक तो आपका चैनल यूट्यूब मोनेटाइज नहीं करेगा, और अगर मोनेटाइज हो भी गया तो आप उस थ्रेशहोल्ड को पूरा ना कर पाने की वजह से यूट्यूब आपके चैनल को डीमोनेटाइज कर देगा, और यह भी हो सकता है कि यूट्यूब आपके चैनल को ब्लैकलिस्ट कर दे। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि वॉच टाइम ख़रीदने से आपके चैनल को नुकसान दे सकती हैं। तो बेहतर यही है कि आप कोशिश करें अपने चैनल पे अच्छा कंटेंट लेके आएं और उस कंटेंट के ज़रिए ओरिजिनल सब्सक्राइबर ओरिजिनल वॉच टाइम लें, जिसका बेनिफिट ये होगा कि वो वॉच टाइम और सब्सक्राइबर आपके परमानेंट होंगे और आपका जो चैनल मोनेटाइज होगा उसके लिए आपकी एड्स की इनकम जो ओरिजिनल होगी। तो आपको YouTube का जो 4000 घंटे का थ्रेशहोल्ड है, जो टारगेट है, उसको अचीव करने के लिए क्या करना पड़ेगा। सबसे पहली चीज़ जो है कंसिस्टेंसी। YouTube चैनल मोनेटाइजेशन के लिए अहम चीज़ है कंसिस्टेंसी। जब तक आप कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे आप अपने चैनल को मोनेटाइज नहीं करवा सकते। आपको चाहिए आप वीक में एक लिमिट सेट करें, वीकली एक वीडियो या दो वीडियो, अगर आप अच्छे कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं तो आप वीकली 3 वीडियोस अपलोड करें, और उसका कंटेंट ऐसा हो जो कि आपके व्यूवर्स के लिए कारामद हो। अगर आप दूसरों की ज़िंदगी में बेनिफिट लेके आएंगे
तो आपकी ज़िंदगी में फ़ायदा होगा। तो आपका चैनल अगर किसी की लाइफ को इम्प्रूव कर रहा है तो आपका चैनल ज़रूर ग्रो करेगा। कोशिश करें ऐसा कंटेंट लेके आए जिस जो लोग देखना चाहते हैं। जैसा कि हमारा वेबटेक एकेडमी का जो चैनल है ये टेक्निकल है, तो हम इसमें जो कोर्स सिखाते हैं लोग सीखना चाहते हैं। आप देखें हमारी ऐसी वीडियोस हैं जो 50K 100K तक वाच कर रही हैं। उसकी वजह क्या है कि हमारा कंटेंट लोग देखना चाहते हैं। ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे ट्यूटोरियल हैं जो कोई नहीं सिखा रहा, हमारे चैनल पे सिखाए जाते हैं और लोग इसको देखते हैं और इससे सीख के वेब डेवलपमेंट सीखते हैं और वेब डेवलपर बनते हैं। तो आपको भी ऐसा ही करना है। आपका चैनल जिस भी नीच पे है आपको चाहिए कि आपने उसके रिलेटेड ऐसा कंटेंट लेके आना है जो कि लोग देखना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कुकिंग चैनल बना रहे हैं या आपका कुकिंग चैनल है तो आपको चाहिए ऐसी रेसिपीज लेके आएं जो कि आसान हो, इजीली बनाई जा सकती हो और हर कोई उससे सीख सकता हो। अगर आप अपने चैनल पे बहुत ही कॉस्टली या महंगी रेसिपीज शेयर करेंगे तो बहुत थोड़े लोग होंगे जो कि उन वीडियो से फ़ायदा उठा सकते होंगे। आपको चाहिए अपने चैनल को एक ज़्यादा ऑडियंस के लिए वीडियोस बनाएं। अगर आप अपने ज़्यादा ऑडियंस को टारगेट करेंगे तो आपकी जो YouTube का वॉच टाइम है वो बहुत जल्दी पूरा होगा। सबसे अहम चीज़ कंसिस्टेंसी है और कंसिस्टेंसी में कंटेंट इज़ द किंग। आपका कंटेंट जितना अच्छा होगा उतने ज़्यादा चांसेस हैं कि आप ज़्यादा लोगों में देखे जाएं। उसके बाद जो अहम चीज़ है आपके लिए कि आपका कंटेंट और आपका थंबनेल ये मैचिंग होना चाहिए। ये ना हो कि आपकी पैकेजिंग में जो बाहर से नज़र आ रहा है वो तो बहुत प्लीजिंग हो और बहुत अट्रैक्टिव हो कि लोग उस पर क्लिक करें, लेकिन क्लिक करते सार ही वो वीडियो को छोड़ के चले जाएं, जिससे आपके YouTube चैनल पे बहुत बुरा असर पड़ेगा। तो आपने करना क्या है कि अपने चैनल पे जो भी वीडियोस अपलोड करें उसका थंबनेल आपके कंटेंट के साथ मुताबिकत रखता हो, वही थंबनेल हो जो कि कंटेंट है। उससे आपके चैनल पे लोग इंगेज ज़्यादा होंगे, आपकी वीडियोस को लोग पूरा देखेंगे, जिससे आपका चैनल जल्दी मोनेटाइज होगा। तो YouTube चैनल मोनेटाइज के लिए आपको कंसिस्टेंसी, कंटेंट और थंबनेल को अच्छे तरीके से देखना है। ये तीन ऐसी चीज़ें हैं जो कि बेसिक हैं। फिर आपने अपनी ऑडियंस को इंगेज करना है। ऑडियंस को इंगेज करने के लिए उनकी मुताबिकत का कंटेंट लेके आना है। आपको पता होना चाहिए कि आपके चैनल की ऑडियंस कौन सी है, उनके लाइक्स डिसलाइक्स क्या हैं, तो आप उसके हिसाब से वीडियो बनाएंगे। अगर आपका जो चैनल ऑडियंस है, जो आपके चैनल सब्सक्राइबर्स हैं, वो आपके लिए एक चाह रहे हैं कि आप उनको सिंपल सी और जल्दी बनने वाली रेसिपीज़ दें, लेकिन आप करें कि बहुत महंगी महंगी और बहुत लेंथी उनको रेसिपीज देंगे, तो आपके सब्सक्राइबर जो होंगे वो आपको अनसब्सक्राइब करके जा चुके होंगे। तो अपनी ऑडियंस का ख्याल रखें, कंसिस्टेंसी, कंटेंट, उसके बाद आएगा आपका थंबनेल और फिर आपकी चौथी जो चीज़ है अपनी ऑडियंस का ख्याल। जिस तरह की ऑडियंस उस तरह का कंटेंट। तो अपने कंटेंट में जान लाएं, कंसिस्टेंट रहें और कभी भी फेक चीज़ों में ना पड़ें। कोशिश करें कि जो ओरिजिनल है उसी पे जाएं। आपके चैनल को मोनेटाइज होने में थोड़ा देर लग सकती है, थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन एक बार आप कंसिस्टेंट रह गए, आपका कंटेंट जो रैंक होना शुरू हो गया, तो आप फिर वो लंबे अरसे में आप उसका फ़ायदा उठाएंगे। लेकिन जब आपने फेक तरीके से सब्सक्राइबर और वॉच टाइम लिया तो आप बहुत थोड़े अरसे के लिए वो इस्तेमाल कर पाएंगे। हो सकता है आप एक मंथ दो मंथ के बाद आपका चैनल डीमोनेटाइज हो जाए, लेकिन अगर आपने मेहनत की होगी, कंसिस्टेंट रहे होंगे, कंटेंट अच्छा लिया होगा, आपका थंबनेल और आपकी वीडियो में मुताबिकत होगी, आप अपनी ऑडियंस के मुताबिक वीडियो बना रहे होंगे, तो आपका चैनल एक बार मोनेटाइज हुआ फिर लंबे अरसे तक, यानी कि फिर वो ग्रो करता जाएगा एक स्टेप से दूसरे। आज आपको 1K व्यूज़ मिल रहे हैं, कल आपको 2, 3, 4, 50, 100K तक जाएंगे। लेकिन अगर आपने दो नंबर तरीकों से, फेक तरीकों से
चैनल पे सब्सक्राइबर और वॉच टाइम लिया, तो हो सकता है इस मंथ तो आपने 4000 के पूरा किया लेकिन नेक्स्ट मंथ आप 1K भी पूरा ना कर सकें। तो सारी बात है, यूट्यूब के एल्गोरिदम ऐसे हैं जो कि इस तरह की सारी एक्टिविटीज़ को चेक कर लेते हैं और पकड़ के आपके चैनल को डीमोनेटाइज कर देंगे। तो यूट्यूब चैनल मोनेटाइजेशन के लिए आपको चाहिए कि आप अपने कंटेंट पे मेहनत करें और कंसिस्टेंट रहें। वीकली आप अपने कंटेंट पे काम करें, उसको अच्छे तरीके से प्रेजेंट करें, फिर थंबनेल पे मेहनत करें। थंबनेल आपकी वीडियो के मुताबिक हो, लोग आई कैचिंग तो हो लेकिन उसी के रिलेटेड हो जो आपकी वीडियो बता रही है। तो उम्मीद है आज की वीडियो में जो टिप्स आपको मैंने यूट्यूब चैनल मोनेटाइजेशन के लिए बताई हैं वो आपको ज़रूर समझ आई होंगी और उन पर अमल करते हुए आप अपने चैनल को मोनेटाइज करवाएंगे। तो आने वाली नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अशफाक अशरफ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।